हेलो लर्नर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में फटाफट रिवाइज करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का यूनिट वन। तो ये वीडियो का पार्ट वन है, इस यूनिट के बाकी पार्ट्स भी जल्दी से अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटरप्रेन्योर क्या है, मतलब कि इसकी मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले चीज़ कि एंटरप्रेन्योर आया कहाँ से। तो ये वर्ड जो है ये फ्रेंच वर्ड से आया है, फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर है जिससे ये एंटरप्रेन्योर वर्ड आया है, जिसका मतलब होता है टू अंडरटेक, यानी कोई रिस्क लेना, अनसर्टेनिटी को बियर करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योर कहलाता है। तो ये वर्ड जो है पहली बार यूज़ किया गया था रिचार्ड कैंटिलोन द्वारा। इन्होंने एक ऐसे लिखा था द नेचर ऑफ कॉमर्स 1755 में। तो 1755 में इन्होंने नेचर ऑफ कॉमर्स ऐसे में ही ये वर्ड एंटरप्रेन्योर यूज़ किया था। तो रिचार्ड कैंटिलोन ने जो एंटरप्रेन्योर को है डिफाइन किया है कि एंटरप्रेन्योर वॉज वन हु बाई फैक्टर ऑफ सर्विसेज एट सर्टेन प्राइसेज इन ऑर्डर टू कंबाइन देम टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट एंड सेल इट एट अनसर्टेन प्राइसेस एट द मोमेंट एट विच ही कमिट्स हिमसेल्फ टू हिज कॉस्ट। यानी कि रिचार्ड कैंटिलोन ने कहा कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन है जो बाई जो फैक्टर ऑफ सर्विसेज को बाई करता है। फैक्टर ऑफ सर्विस यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ये फैक्टर ऑफ सर्विसेज हो गए, तिनको वो किसी न किसी प्राइस पे बाई करता है और उनको कंबाइन करता है, उनका यूज करके एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको वो मार्केट में किसी अनसर्टेन प्राइस पे सेल करता है। यानी कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को परचेज करता है, उसके बाद उनको कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाता है, उसको एक अनसर्टेन प्राइस पे सेल करता है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर कहते हैं एज अकॉर्डिंग टू रिचार्ड कैंटिलोन। इसी तरीके से और भी ऑथर्स ने जो है एंटरप्रेन्योर को डिफाइन किया। तो जीन बैप्टिस्ट से ने इन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योर क्या है, एक इकोनॉमिक एजेंट है। इकोनॉमिक एजेंट है तो क्या करता होगा, हु यूनिट्स ऑल मीन ऑफ प्रोडक्शन, जो क्या करता है कि यूनिट्स ऑल मीन ऑफ जितने भी प्रोडक्शन के मीन है उनको यूनाइट्स करता है। जैसे कि लैंड ऑफ वन, किसी से लैंड लिया, किसी से लेबर लेता है और किसी से कैपिटल, लैंड ऑफ वन, लेबर ऑफ अनदर एंड कैपिटल ऑफ येट अनदर एंड दस प्रोड्यूस सेपरेट, और फिर उनको कंबाइन करके जो मेन ऑफ प्रोडक्शन है उनको कंबाइन करके क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है। बाय सेलिंग द प्रोडक्ट, फिर उस प्रोडक्ट को जो उसने बनाया है उसको सेल करता है एंड ही पेज रेंट ऑफ लैंड। तो उस प्रोडक्ट को बेचने के बाद जो भी उसके पास पैसा आता है उससे, जिससे लैंड लिया था उसको रेंट देता है, जिससे लेबर लिया था उसको वेजेस देता है और जिससे कैपिटल लिया था उसको इंटरेस्ट देता है। ही पेज रेंट ऑफ लैंड, वेजेस टू लेबर और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड वॉट रिमेन्स इज हिज प्रॉफिट, और जो भी उसके बाद उसके पास बचता है वो क्या होता है, उसका प्रॉफिट। तो अकॉर्डिंग टू जीन बैप्टिस्ट से एंटरप्रेन्योर एक इकोनॉमिक एजेंट होता है जो कि मीन ऑफ प्रोडक्शन को यूनाइट करता है, किसी से लैंड लेता है, किसी से लेबर लेता है, किसी से कैपिटल लेता है और उसके बाद उनको कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाता है, उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करता है और सेल करने के बाद जो भी उसके पास पैसा आता है उससे उससे जो है उसने लैंड के लिए रेंट दिया, लेबर को वेजेस या सैलरी दी और उसके बाद जो कैपिटल जिससे लिया था उसको इंटरेस्ट चुकाता है, बाकी जो उसके पास बचता है वो उसका प्रॉफिट होता है। तो जरूरी नहीं कि सभी केसेस में ये हो, कुछ केसेस में ये भी होता है कि एंटरप्रेन्योर के पास ऑलरेडी लैंड होता है, उसके पास लेबर या कैपिटल नहीं होता तो वो चीज़ अरेंज करेगा, या फिर कुछ केसेस में होता है कि उसके पास कैपिटल होता है लेकिन लैंड और लेबर नहीं होता तो उस केस में फिर वो लैंड और लेबर को अरेंज करता है। तो नॉर्मली एक कंडीशन बताया कि एक ऐसा एंटरप्रेन्योर पर्सन होता है कि जो सारी जो मेन ऑफ प्रोडक्शन है उसको इकट्ठा करके, उनको कंबाइन करके मार्केट में प्रोडक्ट को सेल करता है, तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। दस एक कैपिटलिस्ट प्रोवाइड फाइनेंस वेयर एज एंटरप्रेन्योर इज एन ऑर्गेनाइजर। तो जो कैपिटलिस्ट होता है वो क्या करता है, फाइनेंस प्रोवाइड करता है, उसके पास पैसा होता है तो फाइनेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो ऑर्गेनाइजर होता है, वो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके प्रोडक्ट बनाता है। ही कोऑर्डिनेट्स, ऑर्गेनाइज एंड सुपरवाइज। एंटरप्रेन्योर कोऑर्डिनेट करता है, जिसके पास लैंड है, जिसके पास लेबर है, जिसके पास कैपिटल, उन तीनों को कोऑर्डिनेट करता है, उनसे ऑर्गेनाइज कराता है मीन ऑफ प्रोडक्शन को और उनको सुपरवाइज करता है। इसी तरीके से जोसेफ एस कंप्यूटर, इन्होंने भी एंटरप्रेन्योर को डिफाइन किया। उनके अकॉर्डिंग क्या है कि एंटरप्रेन्योर एक इनोवेटर होता है, हु इनोवेट्स रेजेस मनी। वो क्या करता है कि मनी रेज करके इनोवेट करता है। कलेक्ट इनपुट, ऑर्गेनाइज टैलेंट्स, वो इनपुट कलेक्ट करता है और टैलेंट को ऑर्गेनाइज करता है। प्रोवाइड लीडरशिप, लीडरशिप प्रोवाइड करता है एंड सेट्स द ऑर्गेनाइजेशन इन प्रॉपर ऑर्डर, और फिर जो ऑर्गेनाइजेशन उसने ओपन किया उसको प्रॉपर ऑर्डर में करता है। तो वो इनोवेट करता है, पैसा रेज करता है, इनपुट कलेक्ट करता है, टैलेंट को ऑर्गेनाइज करता है और लीडरशिप प्रोवाइड करता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉपर ऑर्डर में ले चलता है। तो इस जोसेफ एस कंप्यूटर ने कहा कि एंटरप्रेन्योर क्या है, एक इनोवेटर है। तो इन सब अगर हम कैलकुलेट करें तो एंटरप्रेन्योर क्या है, अलग अलग ऑथर ने अलग अलग तरीके से देखा। जैसे कि एंटरप्रेन्योर अनसर्टेनिटी बियरर होता है, एफ एच नाइट ने कहा। इसी तरीके से जीन बैप्टिस्ट से ने जो पिछले आपने देखा डेफिनेशन, वहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि एंटरप्रेन्योर एक ऑर्गेनाइजर है, इकोनॉमिक एजेंट है। इसी तरीके से जोसेफ एस कंप्यूटर, जिसका भी डेफिनेशन अभी आपने पीछे देखा, तो उन्होंने भी क्या कहा कि एंटरप्रेन्योर क्या है, एक इनोवेटर है। इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, एडम स्मिथ ने कहा। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिस्ट होता है, पीटर एफ ड्रकर ने कहा। अपॉर्चुनिटी मीन्स कि एंटरप्रेन्योर जो है, जो पर्सन होता है वो अपॉर्चुनिटी को देखता है और जैसे ही अपॉर्चुनिटी
उसको मिलती है कि हाँ यहाँ पे मैं बिजनेस स्टार्ट करके प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ, तो वो क्या कहता है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है, इसीलिए उसको क्या कहेगा अपॉर्चुनिस्ट कहा गया। तो कंक्लूड करें तो ए पर्सन हु ट्राइज टू क्रिएट समथिंग न्यू, यानी एक ऐसा पर्सन जो कुछ नया बनाना चाहता है, ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन एंड अंडरटेक रिस्क, प्रोडक्शन करता है और रिस्क लेके प्रोडक्शन करता है, एंड हैंडल इकोनॉमिक अनसर्टेंटी, और जो भी इकोनॉमिक अनसर्टेंटी होती है उसको हैंडल करता है जो भी एक किसी इंटरप्राइज में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर। यानी कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी इंटरप्राइज में जो भी अनसर्टेंटीज होती है, इकोनॉमिक अनसर्टेंटी होती है, उसको हैंडल करता है, प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करता है और कुछ नया डेवलप करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं जैसे कि जमशेद जी, नौसरवान जी, टाटा जी, इसी तरह जी डी बिरला जी हैं, जमनालाल बजाज जी हैं, धीरू भाई अंबानी हैं, ये सब क्या है, ये सब एंटरप्रेन्योर होते हैं जिन्होंने रिस्क लिया, अनसर्टेंटी को बियर किया, इनोवेशन किया, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अपॉर्चुनिस्ट थे और जिन्होंने एक सक्सेसफुल इंटरप्राइज ओपन किया था, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, बिरला हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें बजाज कंपनी हो गई, तो ये सारे क्या हैं एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने ये एंटरप्राइज डेवलप किया था रिस्क लेके। अब नेक्स्ट टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, तो यानी कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। तो जैसे कि आपने पीछे देखा ऑलरेडी अलग अलग ऑथर ने बताया कि जैसे इनोवेटर होते हैं, ऑर्गेनाइजर होते हैं, अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, तो यही सारी चीज़ें क्या इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो एन एंटरप्रेन्योर इज हाईली अचीवमेंट ओरिएंटेड, कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है वो हाईली अचीवमेंट ओरिएंटेड होता है, उसको कुछ अचीव करना होता है, एंथुसियास्टिक होता है, एनर्जेटिक इंडिविजुअल होता है, एनर्जी हाई लेवल होती है, हु हैज़ फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, तो कैलकुलेटेड रिस्क टेकर, उस पहले ही एंटरप्रेन्योर क्या कहता है कि रिस्क टेकर होता है, वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है, कि वो पहले से कैलकुलेट करते हैं हाँ हमें इतना रिस्क होने वाला है या हो सकता है। फिर इस कंप्यूटर ने कहा था कि इनोवेटर है, यानी वो इनोवेटर है, वो कुछ ना कुछ नया बनाता है, ऑर्गेनाइजर होता है, जीन बैप्टिस्ट ने कहा था, अनसर्टेंटी बियर होता है, क्रिएटिव पर्सन होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, खुद में कॉन्फिडेंट नहीं, तो आप कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, कोई भी नई चीज़ आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि पॉजिटिव थिंकर होना ज़रूरी है, आप हर चीज़ में अगर नेगेटिव सोचेंगे तो फिर आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे, तो आपको ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, आप पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए, डिसीजन मेकर, आपके पास डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, तो ये एंटरप्रेन्योर के पास होती है। एक्शन ओरिएंटेड यानी जो भी चीज आप सोचे वो एक्शन होना चाहिए, नहीं कि खाली ख्याली पुलाव बना रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं, नहीं, आपको एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए, जो भी सोचे उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। विजनरी दूर की सोच रखने वाला होना चाहिए। बिजनेस प्लानर एक अच्छा बिजनेस प्लान तैयार करना चाहिए। अपॉर्चुनिस्ट अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए। स्ट्रेस टेकर कोई भी रिस्क लेते हैं, कोई भी अनसर्टेंटी को बेयर करते हैं, इंटरप्राइज ओपन करते हैं, वहां पर बहुत सारे रिस्क होते हैं, स्ट्रेस होते हैं, उसको आपको हैंडल करना आना चाहिए, नहीं कि स्ट्रेस से स्ट्रेस आ गया तो आप परेशान हो गए, ड्रॉप कर दिया, नहीं, लीडरशिप लीड करना आना चाहिए। और ये वेंचर कैपिटलिस्ट यानी कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट होता है जिसको जो फाइनेंस को लगाता है वेंचर में। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो सभी एंटरप्रेन्योर में होती हैं। इसी तरीके से करेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ एंटरप्रेन्योर की बात करें तो मैकलैंड ने कुछ करेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई किए थे एंटरप्रेन्योर के, या फिर इसको कह सकते हैं ट्रेट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो उन्होंने कहा कि मेंटल एबिलिटी ये ट्रेट होता है या करेक्टरिस्टिक होती है एंटरप्रेन्योर की, मेंटल एबिलिटी यानी कि उसके पास सोचने समझने की क्षमता होती है, कैलकुलेटेड रिस्क लेने की क्षमता होती है, विजनरी होता है, ऑप्टिमिस्टिक होता है, तो एंटरप्रेन्योर के पास मेंटल एबिलिटी होती है, क्लियर ऑब्जेक्टिव, जो भी वो सोचता है, जो भी प्लान करता है वो क्लियरली डिफाइंड होता है, यानी कि उसके वैग होता है कि यानी कन्फ्यूज रहता है कि नहीं मुझे ये करना था या वो करना था, नहीं, वो क्लियरली फाइंड ऑब्जेक्टिव पे चलता है। बिजनेस सीक्रेट से बिजनेस में जो भी चीजें हैं उसको सीक्रेट रखना आता है, ये नहीं कि पब्लिकली ओपन कर दे रहा है कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, नहीं, बिजनेस सीक्रेसी मेंटेन रखता है। ह्यूमन रिलेशन एबिलिटी ह्यूमन के साथ रिलेशन बनाना डेवलप करना भी बखूबी आता है एंटरप्रेन्योर को। कम्युनिकेशन एबिलिटी होती है एंटरप्रेन्योर के अंदर, क्यों, क्योंकि उसको बहुत से लोगों से डील करना होता है, अगर एंटरप्रेन्योर के अंदर कम्युनिकेशन एबिलिटी नहीं होगी तो वो फिर डील नहीं कर पाएगा। टेक्निकल नॉलेज जैसा कि बताया कि टेक्निकल आए दिन चेंज होता है, तो उसके पास टेक्निकल नॉलेज भी होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए। इसी तरीके से रॉबर्ट एच हिस्ट्रिच ने भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स जो है एंटरप्रेन्योर के आइडेंटिफाई किए थे, जैसे एंटरप्रेन्योर मोटिवेटर होता है, ऑब्वियसली बात है, खुद तो मोटिवेट होता ही होता है, साथ ही साथ दूसरों को भी मोटिवेट करता है कि यस वी कैन डू। सेल्फ कॉन्फिडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सेल्फ कॉन्फिडेंट होना जरूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट यानी कि कोई भी चीज़ आप करें तो उसमें लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट, यानी कि आपने आज किया और कल छोड़ दिया, नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। हाई एनर्जी लेवल, एनर्जी लेवल हाई होना चाहिए, एंथुसियास्टिक होना चाहिए। परसिस्टेंट प्रॉब्लम सॉल्वर, कंटिन्यूअस कोई भी आप काम करते तो कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, तो उसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए, प्रॉब्लम से भागना नहीं होता। इनिशिएटिव, जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो इनिशिएटिव होते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ आती है तो पहले इनिशिएट करना करने की कोशिश करते हैं, गोल सेटर, ये लोग गोल सेट करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि रॉबर्ट एच हिस्ट्रिच ने कहा था। मॉडरेट रिस्क टेकर और लीडरशिप, ये रिस्क टेकर भी होते हैं और लीडरशिप क्वालिटी भी इनके अंदर होती है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंटरप्रेन्योर की, ट्रेट ऑफ एंटरप्रेन्योर। हम बात कर लें कि
फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, तो डिफरेंट ऑथर हैज डिफरेंट व्यूज ऑन रिगार्डिंग फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, कि डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स हैं, उन्होंने अलग अलग तरीके से अपने फंक्शन को डिफाइन किया है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू मार्शल, तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द प्रोडक्टिव एंटरप्राइज, ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो मार्शल कहते हैं कि ऑर्गेनाइज करना और उसको मैनेज करना है, किसको, इंटरप्राइज को, ही क्या कहता है, फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर होता है। इसी तरीके से अकॉर्डिंग टू जीन बैप्टिस्ट एंड कैंटिलोन, इन्होंने कहा कि रिस्क टेकिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, रिस्क टेकिंग फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर का। इसी तरीके से प्रोफेसर बी आर नाइट ने कहा कि रिस्क टेकिंग एंड कंट्रोल जो है वो इंपॉर्टेंट फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। इसी तरीके इस कंप्यूटर ने कहा कि एंटरप्रेन्योर का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन, इनोवेटर, इनोवेशन करता है, कुछ नया डेवलप करता है, नई टेक्नोलॉजी, नया मार्केट जो है वो डेवलप करता है। इसी तरीके से आर्थर एच कोल ने कहा कि जो मेन फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का वो है डिसीजन मेकिंग, यानी कि एंटरप्रेन्योर जो है वो डिसीजन मेकिंग करता है, नया आइडिया डेवलप करता है, उसको इस क्या कहते हैं कि इंप्लीमेंट करता है। तो अगर हम देखें तो ओवरऑल हम जो फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर के हम उसको तीन क्राइटेरिया में जो है उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन होता है जो परफॉर्म करता है, एक प्राइमरी फंक्शन होता है जो परफॉर्म करता है, और एक अदर फंक्शन होते हैं जो वो परफॉर्म करता है। तो एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि सबसे पहले आइडिया जनरेशन, क्या करता है एंटरप्रेन्योर, आइडिया जनरेट करता है कि उसे कौन सा एंटरप्राइज करना है, कौन सा बिजनेस चलाना है, कौन सा प्रोडक्ट डेवलप करना है। उसके बाद वो ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है, फंड को रेज करता है उस एंटरप्राइज को ओपन करने के लिए, रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करता है, मशीनरी प्रोक्योर करता है यानी कि मशीनरी इकट्ठा करता है, परचेज करता है, मार्केट रिसर्च करता है कि हाँ उसके प्रोडक्ट मार्केट में चले गया नहीं चलेगा, डिमांड है कि नहीं है, डिटरमिनेशन ऑफ फॉर्म ऑफ एंटरप्राइज, कि उसके एंटरप्राइज का फॉर्म क्या होगा उसको डिटरमाइन करता है, रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर, जो मैन पावर रिक्वायर होगी उस एंटरप्राइज को रन करने के लिए उसको रिक्रूट करता है, प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करता है। तो ये एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन हो गए जो कि एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है। इसके बाद जो है एंटरप्रेन्योर मैनेजरियल फंक्शन भी परफॉर्म करता है। तो मैनेजरियल फंक्शन में क्या क्या है, ऑब्वियस सी बात है जो प्राइमरी फंक्शन होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट, इनोवेशन, रिस्क बेयरिंग, ये क्या है प्राइमरी फंक्शन जो कि कोई भी एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है। अनसर्टेनिटी बेयरिंग, जैसे कि ट्रेड में, क्रेडिट में, मार्केट के ट्रेंड्स में कभी भी अप डाउन होते हैं तो अनसर्टेनिटी होता है, तो उसको भी वो फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद अदर फंक्शन, अदर फंक्शन में जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, जब कंपनी चल जाती है तो उसके बाद आपको अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना होता है, कई जगह पर प्रोडक्शन सेंटर ओपन करना होता है, तो वो फंक्शन परफॉर्म करना। एक्सपेंशन ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज को बढ़ाना, वो भी क्या है फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। मेंटेनिंग कोऑर्डिनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशन के बीच में एक अच्छा रिलेशन तैयार करना, बना के रखना, वो भी फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का। टैकलिंग ऑफ लेबर प्रॉब्लम, लेबर्स के साथ प्रॉब्लम्स बहुत सारी आती रहती हैं बीच बीच में, तो उसको भी टैकल करना भी एंटरप्रेन्योर का फंक्शन होता है। कोऑर्डिनेशन विद आउटसाइड एजेंसीज, जो आउटसाइड एजेंसी जैसे सप्लायर्स हो गए, होलसेलर, रिटेलर्स, जो आउटसाइड एजेंसीज होती हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन बना के रखना ही एंटरप्रेन्योर का फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर है। अब हम बात कर लेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप दोनों क्या है, डिफरेंस है। एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है जो कि कोई भी रिस्क लेता है, अनसर्टेनिटी करता है, अनसर्टेनिटी को बियर करता है, इनोवेशन करता है, ऑर्गेनाइजर होता है। वहीं पर एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, अकॉर्डिंग टू एच कोल, एंटरप्रेन्योर द पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप और एसोसिएटेड इंडिविजुअल अंडरटेकन टू इनिशिएट, मेंटेन एंड ऑर्गेनाइज प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक पर्पसफुल एक्टिविटी है जो कि परफॉर्म की जाती है किसी इंटरप्राइज में, ताकि इकोनॉमिक गुड्स और सर्विस को बेच के डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉफिट कमाया जा सके। यानी कि एंटरप्रेन्योर एक पर्सन होता है और जो वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, जो पर्पसफुल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उस पर्पसफुल एक्टिविटी को ही हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस और कोर्स ऑफ एक्शन अंडरटेकन बाई एंटरप्रेन्योर टू सक्सेसफुली रन एन एंटरप्राइज। यानी कि कोई भी एंटरप्राइज को रन करने के लिए जो भी प्रोसेस होता है, जो भी कोर्स ऑफ एक्शन होता है जो एंटरप्रेन्योर परफॉर्म करता है, उसी को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप रिफर्स टू एन एक्शन पब्लिक प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर पर्सन टुवर्ड्स एस्टेब्लिशिंग एन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज को ओपन करना, एस्टेब्लिश करने के लिए जो भी एक्शन या प्रोसेस लिया जाता है वो एंटरप्रेन्योरशिप कहलाता है। उसको रन करने के लिए, कि ओपन करने के बाद उसको रन करने के लिए, चलाने के लिए भी जो भी कोर्स या एक्शन लिया जाता है वो भी क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप ही कहलाता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आप ट्रिपल ई अक्सर सुनेंगे, ट्रिपल ई, एंटरप्रेन्योर का ट्रिपल ई क्या होता है, तो एक तो हो गया एंटरप्रेन्योर जो क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है, एक पर्सन होता है, वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उसको क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी आपने देखा। तो एन एक्शन प्रोसेस, यानी कि जो भी कोर्स ऑफ एक्शन, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है एंटरप्रेन्योर द्वारा, उसको हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। और जो तीसरा ई है, तो जो एंटरप्रेन्योर है वो एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ परफॉर्म करेगा, जो एक्टिविटी वो कहाँ परफॉर्म करेगा, किसी इंटरप्राइज में। तो इंटरप्राइज क्रिएट करता है एंटरप्रेन्योर, क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस को परफॉर्म करके इंटरप्राइज क्रिएट करता है। यानी इंटरप्राइज क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रिपल ई ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्राइज क्रिएशन, यानी एंटरप्राइज। अब
बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि कौन कौन सी दिक्कतें हैं, कौन कौन सी रुकावटें होती हैं जो कि एंटरप्रेन्योर फेस करता है, जिसकी वजह से वो एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो फैक्टर्स या बैरियर्स कौन से होते हैं? पहला है इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी कि कुछ इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वो एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता है, जैसे कि कैपिटल ना होना, लेबर की अवेलेबिलिटी ना होना, रॉ मटेरियल अवेलेबल ना होना, मार्केट की अवेलेबिलिटी ना होना, यानी जो भी आप प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं उसके लिए रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है, उसके लिए लेबर यानी कि स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है, कैपिटल नहीं है आपके पास, या फिर मार्केट नहीं है उस प्रोडक्ट के लिए। तो ये इकोनॉमिक फैक्टर है जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, फिर एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते हैं। उसके बाद है फिर नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, उसमें भी सोशल फैक्टर्स होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर होते हैं। सोशल फैक्टर ने कि सोसाइटी जो आपके आसपास की है, जैसे कि उसके नॉर्म्स, वैल्यूज, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, कास्ट, रिलीजन, ये सब क्या है, सोशल फैक्टर्स है जो कि आपको कहीं ना कहीं से रोकती हैं, अड़चने क्रिएट करती हैं, ये सपोर्ट भी कर सकती हैं और रोक भी सकती हैं, तो बैरियर्स भी हैं। इसी तरह साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि आपके पास मोटिवेशन नहीं है, डिफिकल्टी एंड एम्बिग्यूटी आप में ज़्यादा है, आप इनएबिलिटी टू ड्रीम, यानी कि आप एक अच्छा क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं सोच सकते हैं, सोचने समझने की मेंटल एबिलिटी नहीं है, लैक ऑफ क्लीन परसेप्शन, आपके क्लियर परसेप्शन नहीं है, तो ये भी क्या है, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो कि एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म करने से रोकती हैं, बैरियर्स होती हैं उसमें। और फिर गवर्नमेंट एक्शन है पॉलिटिकल फैक्टर, जैसे कि इंसेंटिव, सब्सिडीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, रूल रेगुलेशंस, इंटरप्राइज को ओपन करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है, इसमें इतनी सारी चीज़ें पॉलिसीज होती हैं, रूल रेगुलेशंस होते हैं, जो उसको एंटरप्रेन्योर क्या करता है, वो कंप्लाई नहीं कर पाता है उन रेगुलेशंस को, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है। तो ये कुछ बैरियर्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म करने से रोकती हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, और कुछ गवर्नमेंट या पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं। तो कार्ल एच वेस्पर है जिन्होंने कुछ और अलग से आइडेंटिफाई किया था कुछ इंपॉर्टेंट बैरियर्स जो कि एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म करने से रोकती हैं, जैसे कि लैक ऑफ वायबल कॉन्सेप्ट। अगर एंटरप्रेन्योर के पास एक वायबल कॉन्सेप्ट नहीं होगा, एक फिजिबल आइडिया नहीं होगा, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं परफॉर्म कर पाएगा। इसी तरीके से लैक ऑफ मार्केट नॉलेज, अगर आपके पास मार्केट नॉलेज नहीं है, एंटरप्रेन्योर के पास मार्केट नॉलेज नहीं है कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में कंपटीशन क्या है, इंडस्ट्री कौन सी है, प्रोडक्ट क्या है, कंज्यूमर क्या है, कस्टमर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, अगर उसके पास ये नॉलेज नहीं है तो भी एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स, टेक्निकल नॉलेज नहीं है एंटरप्रेन्योर के पास, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सीड कैपिटल, यानी कि जो स्टार्टिंग फंड होता है, जो इनिशियल फंड होता है जो कि इंटरप्राइज को रन करने के लिए चाहिए, अगर वो चीज़ नहीं है उसके पास, तो फिर एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। लैक ऑफ बिजनेस नॉलेज, बिजनेस को कैसे चलाना होता है, कैसे कंडक्ट करना होता है, कैसे मैनेज करना होता है, ये नॉलेज अगर नहीं है तो भी जो है एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएगा एक एंटरप्रेन्योर। वहीं पर कॉम्पिटेंसी, यानी कि आपके पास कंपिटेंसी नहीं है, स्किल्स नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, तो भी आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। फिर लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी कि आपके पास मोटिवेशन नहीं है, आप मोटिवेटेड पर्सन नहीं है, डीमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं, तो फिर आप जो है एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, यानी ये बैरियर है एक तरीके से। सोशल स्टिग्मा, सोसाइटल जो सोशल प्रॉब्लम होती है, सोशल स्टेटस होता है, वो भी जो है आपको रोकती हैं। और लीगल कंस्ट्रेंट एंड रेगुलेशन, जो भी रेगुलेशंस और कंस्ट्रेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं एक बैरियर होती हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी परफॉर्म करने से रोकती हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर को। इनोवेशन ड्यू टू पैटेंट, पैटेंट की वजह से भी जो है आप जो है कई सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो पैटेंट किसी और के पास होता है, तो ये भी क्या है, एक बैरियर होता है किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को परफॉर्म करने के लिए। तो ये कार्ल एच वेस्पर ने दिया था। अब है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ में एंटरप्रेन्योर का क्या रोल होता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ऑब्वियसली बात है कि जब कोई भी एंटरप्रेन्योर इंटरप्राइज ओपन करेगा तो वहाँ पे लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है एंटरप्रेन्योर। नेशनल इनकम में बढ़ाता है, इंक्रीज करता है, हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर। डिस्पर्जल ऑफ इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर को डिस्पर्स करता है, यानी कि सिर्फ किसी एक सेंटर पर इकोनॉमिक पावर रहती नहीं, पूरे जहाँ जहाँ पर एंटरप्रेन्योर की वहाँ वहाँ पर जो है इकोनॉमिक पावर डिस्पर्स हो जाती है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, यानी कि हर एरिया का, हर रीजन का इक्वली डेवलपमेंट होता है। हार्नेसिंग लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज, जब बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी लोकल अवेलेबल रिसोर्सेज होंगे वो हार्नेसिंग होंगे, यानी कि उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो सकेगा। और रिड्यूसिंग अनरेस्ट एंड सोशल टेंशन अमॉन्ग यूथ, भी जो यूथ के बीच में जो अनरेस्ट होता है, जो सोशल टेंशन होता है कि हम जॉब करेंगे, जॉब नहीं है, वैकेंसीज नहीं है, कहाँ पे हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो उस पर भी ये रिड्यूस करता है कि हाँ, अगर हमें जॉब नहीं मिलेगी तो हम अपना खुद का बिजनेस ओपन कर सकते हैं। तो ये अनरेस्ट को रिड्यूस करता है, सोशल टेंशन को रिड्यूस करता है। इनोवेशन इन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज में इनोवेशन, नया चीज़, नई नई चीज़ें बनती है, तो वो भी एंटरप्रेन्योर की वजह से होती है। इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, ऑब्वियस बात है कि जब एंटरप्राइज ओपन होंगे तो आपका लिविंग भी क्या होगा, इंप्रूव होगा, और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी भी आएगी, यानी कि आपको पैसे के लिए, फंड के लिए किसी और के पास नहीं जाना होगा, आप खुद अपने, आपके पास इनफ अमाउंट होगा, फंड होगा।
तो ये कुछ रोल है एंटरप्रेन्योर का इकोनॉमिक ग्रोथ में। कॉज ऑफ सक्सेस एंड फेल्योर ऑफ एंटरप्रेन्योर, यानी कि क्या कॉज हो सकता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के सक्सेस या फेल्योर का, तो सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, अगर आपने जो बिजनेस सेलेक्ट किया है वो सही सेलेक्ट किया है तो फिर आप सक्सेसफुल होंगे, नहीं तो अगर फेल हो जाएंगे। इसी तरह प्रॉपर प्लानिंग, अगर आपकी प्लानिंग सक्सेसफुल है, अच्छी है, प्रॉपर प्लान किया है आपने किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, तो सक्सेस होंगे, नहीं तो फिर फेल हो जाएंगे। इनिशियल कैपिटल, जो इनिशियल फंड चाहिए एंटरप्राइज को ओपन करने के लिए, वो है तो फिर आप सक्सेस, नहीं तो फिर फेल हो सकते हैं। डिटरमिनेशन ऑफ मार्केट डिमांड, मार्केट में डिमांड आपके प्रोडक्ट की है या नहीं है, उसको बगैर जाने अगर आपने प्रोडक्शन कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर आप फेल हो जाएंगे। इसी तरीके से इसीलिए कि आपको मार्केट की डिमांड जरूरी है, यानी कि मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड है या नहीं वो जानना जरूरी है। मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग भी करनी आनी चाहिए, अगर आपने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छे से नहीं की तो भी आप फेल हो जाएंगे, तो मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट करना जरूरी है। एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, जो भी एंटरप्रेन्योर है उसका एजुकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, जो आपके यहाँ पे लेबर हैं वो वर्क कर रहे हैं उनका एजुकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, वो मैटर करता है। तो अगर एजुकेशन एक्सपीरियंस दोनों अच्छे हैं तो सक्सेस, नहीं तो फिर फेल। ज्वाइंट इनिशिएटिव, अगर जो दो लोग से ज़्यादा मिलकर एक साथ अपने कोई इंटरप्राइज ओपन कर रहे हैं, तो उस केस में भी क्या होता है कि डिस्प्यूट्स की वजह से भी जो है वो सक्सेस या फेल डिपेंड करता है। एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं लेबर्स का, वो कैसा कर रहे हैं, अगर आपने अनस्किल्ड एम्प्लॉय रख लिया तो फिर आपके इंटरप्राइज जो है वो डूब सकती है, तो आपको सही तरीके से एम्प्लॉयमेंट करना है। लोकेशन ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का लोकेशन कहाँ है, मार्केट से कनेक्टिविटी है कि नहीं, वहाँ पे रॉ मटेरियल सप्लायर इन सबसे कनेक्टिविटी है नहीं, ये भी चीज़ मैटर करता है। अगर हम इन सबसे दूर हो जाएंगे तो फिर आपके बिजनेस नहीं रन करेगी, तो आपके लोकेशन ऑफ बिजनेस जो है वो भी मैटर करता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके सक्सेस या फेल होने का। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सक्सेस एंड फेल कॉजेज हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर के सक्सेस या फेल होने का। क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, आप मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, अच्छा मैनेजमेंट करते हैं या पुअर मैनेजमेंट कर रहे हैं आपके इंटरप्राइज का, तो वो भी मैटर करता है। हम बात कर लेंगे मिथ्स टू बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या मिथ्स हैं जो मार्केट में चलते हैं कि नहीं नहीं एंटरप्रेन्योर सिर्फ यही बन सकते हैं, फिर वो बन सकता है। तो सबसे पहला मिथ है एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न नॉट मेड, यानी कि ये गलत धारणा है कि एंटरप्रेन्योर जो है पैदा होते हैं, बनते नहीं है। नहीं जी नहीं, तो एंटरप्रेन्योर कोई भी बन सकता है, एंटरप्रेन्योर पैदा नहीं होते, सभी एक कोली पैदा होते हैं। जो चीज़ें डेवलप होती हैं, जो भी चीज़ें चेंज होती हैं, वो यहाँ पे आके ही सोसाइटी में आके ही चेंज होती है। तो एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न नॉट मेड, एक गलत धारणा है। मनी इज नीडेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि पैसा एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको पैसे की जरूरत है, तो ऐसा भी नहीं है। आप अगर एक गुड ऑर्गेनाइजर हैं, मेंटल एबिलिटी है, तो आप कहीं से भी सारी चीज़ें अरेंज करके अपना खुद का इंटरप्राइज ओपन कर सकते हैं। तो मनी इज नीडेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, ये भी क्या है, एक मिथ है। लक इज नीडेड टू बी एन एंटरप्रेन्योर, यानी कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पास लक होना चाहिए, तो ये भी क्या है, एक मिथ है। ऑब्वियसली बात है, लक कोई डिपेंड नहीं करता। एंटरप्रेन्योर आर एकेडमिक एंड सोशल मिसफिट, यानी कि जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं वो एकेडमिकली पुअर होते हैं, यानी कि 10वीं 12वीं फेल होते हैं, या फिर सोशली मिसफिट, यानी सोसाइटी में मिसफिट होते हैं, वो फिट नहीं बैठते हैं, इसलिए वो एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, तो ऐसा भी, ये भी क्या है, गलत धारणा है। एंटरप्रेन्योर और ऑलवेज इन्वेंटर्स, यानी कि एंटरप्रेन्योर वही बनते हैं जो कुछ नया बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं, तो नहीं, एंटरप्रेन्योर जो इनोवेशन करते हैं, जो इमिटेटिव करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, किसी दूसरे को देख के कुछ नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भी एंटरप्रेन्योर हैं। ऐसा नहीं कि इन्वेंशन करने वाला ही एक एंटरप्रेन्योर होता है। फिर एंटरप्रेन्योर्स आर डूअर नॉट थिंकर्स, यानी कि एंटरप्रेन्योर करते हैं, काम करने वाले होते हैं, वो सोचने वाले नहीं होते, ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योर पहले आइडिया जनरेट करता है, तो आइडिया जनरेशन कहाँ से आता है, थिंकिंग से, थिंकिंग प्रोसेस से ही आता है। तो एंटरप्रेन्योर थिंक भी करता है, उसके बाद उसको एक्शन ओरिएंटेड, यानी कि डूअर भी, यानी कि वो उसको इम्प्लीमेंट भी करता है। तो ये कुछ मिथ्स हैं जो कि एंटरप्रेन्योर को लेकर मार्केट में रहती हैं, लोगों के दिमाग में रहते हैं कि एंटरप्रेन्योर आर बॉर्न नॉट मेड, मनी इज नीडेड फॉर एंटरप्रेन्योर, लक इज नीडेड टू बी एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर आर एकेडमिक एंड सोशली मिसफिट होते हैं, एंटरप्रेन्योर ओनली आर इन्वेंटर्स, एंटरप्रेन्योर आर डूअर्स नॉट थिंकर्स। तो इस वीडियो में इतना ही, इस यूनिट का नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी अपलोड किया जाएगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, लाइक द वीडियो, subscribe and share the channel for more videos. Thank you.